भरूच शहेरमां सौभाग्यवती महिलाओए पतिना लांबा दीर्घायु माटे वट सावित्रीनुं व्रत राखी विविध मंदिरो अने धार्मिक स्थळोए विशेष पूजा अर्चना करी हती। भारतीय संस्कृतिमां आ व्रत आदर्श नारीत्वनुं प्रतीक मानवामां आवे छे। वट सावित्रीना व्रतमां वड अने सावित्री आ बंनेनुं पण खूब ज विशेष महत्व होय छे। हिंदू धर्मशास्त्रो अनुसार पीपळाना वृक्षनी सामे वडनुं वृक्ष एटले के बरगदनुं वृक्ष पण एटलुं ज महत्व धरावे छे। आ वृक्षने पण विशेष अने महत्वपूर्ण मानवामां आवे छे। आपणा प्राचीन पुराणों अनुसार वड वृक्षना मूळमां ब्रह्मा, मध्यमां भगवान विष्णु अने अग्रमां भगवान शिवनो वास मानवामां आवे छे। तेमज एवुं पण कहेवामां आवे छे के तेने नीचे बेसी पूजा तेमज व्रत कथा वगैरे सांभळवाथी दरेक मनोकामना पूर्ण थाय छे। महिलाओए भरूच शहेरना चौड़ेश्वर सहितना विस्तारोमां मंदिरोना पटांगण अने सोसायटीओमां आवेला वडना वृक्षनी प्रदक्षिणा करी पूजा अर्चना करी वड सावित्रीनो व्रतनी श्रद्धा भेर उजवणी करी हती। मृत्युंजय महादेव त्राहिमां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने हे ओम ब्रह्मा सावित्री देवी नमो नमः। आजे ब्रह्मा अने सावित्री देवी नुं पूजन थाय। आजे जेठ सुद पूनम एटले ब्रह्माजी नुं अने सावित्री नुं पूजन करेव। वड वडनी पूजा करवानी। ब्रह्माना अग्रभागमां नीचेना भागमां ब्रह्माजीनो वास छे, वच्चेना भागमां भगवान महेश एटले के महारुद्रनो वास छे अने ऊपरना भागमां भगवान विष्णु भगवाननो वास छे। साथे लक्ष्मीनारायणनुं जोड़ू पण साथे पूजा करी शके छे। आजे बहेनोए उपवास करवो अने बीजे दिवसे वड सावित्रीना व्रतना पारणा करवा अने नानी कुंवारिकाओ बहेनोने जमाड़वी अने गोळणीओ पर करवी अने ब्राह्मणने सीधू दान અને યથાશક્તિ વસ્ત્રપાત્રનું દાન કરી અને આ વ્રતનું ઉજવણું કરવું। અસ્તુ સદા। આજે જેઠ વદ પૂનમના દિવસે વડ સાવિત્રીનું વ્રત છે, જે દરેક સુહાગર સ્ત્રીએ કરવું જોઈએ પોતાના પતિનું લાંબુ આયુષ્ય સુખ સમૃદ્ધિ માટે। દરેક બહેને આ વ્રત કરવું જરૂરી છે, જે કરશે એના પતિનું લાંબુ આયુષ્ય અને સુખ સમૃદ્ધિ વધશે।